सब यही सब वही है, वही कहेगा सबसे बड़ा फोर्ट यही है, बिगेस्ट फोर्ट कुंभ, राजस्थान के बिगेस्ट फोर्ट, राजस्थान बिगेस्ट फोर्ट कुंभा, कुंभा राजा कुंभा, राजा कुंभा का द किंग कुंभा। वाह चिड़िया रे, सांप है, चिड़िया चिड़िया। अहमदाबाद शहर बनाया और मालवा का सुल्तान महमूद गिलजी, इन दोनों के साथ में बैटल किया और विक्ट्री करके आया, उसकी याद में बनाया गया टावर, इसका 9 फ्लोर है। अच्छा इधर आप फोटो उतारते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उतारते हैं। मेरा भी था। और नीचे जितना ग्राउंड से देख रहे हैं नीचे में, दादा नीचे में जितना ग्राउंड आप देखते हैं ये पूरा हमारे रॉयल फैमिली का क्रेमेशन ग्राउंड है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर राजपूत लेडीज अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ में सती होता था। ये वो एक्चुअली 14th सेंचुरी में इधर में जौहर जापा, इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। जब आर्कियोलॉजिकल एक्ट बना, जमीन को अंदर से खोदा गया तो अंदर से जला हुआ बॉन्स जो निकला से प्रूफ हो गया कि जौहर हुआ है। तो बॉन्स निकाल दहेज में मिला था ये जमीन? नहीं 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 नहीं, तो दहेज में क्या मिला कुछ था? कुछ भी नहीं मिला था दहेज में, नहीं मिला था ये। अच्छा, मौर्य डायनेस्टी ने 5th सेंचुरी में इसको बनाया था। उसके बाद में 8th सेंचुरी के अंदर बापादित्य यहाँ का गुजरात का जो राजा था उसने इसको कैप्चर किया और 8th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी फोर्ट राजपूत रानों के अंदर मिला और 7 बार चित्तौड़ पर मोमेंटम अटैक हुआ। हम लोग खड़ा हुआ है ये गेस्ट पैलेस का पोर्शन है। अच्छा, इसका मैं बता रहा हूँ आपको, इसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं है ब्रिटिश टाइम के अंदर। उसको मैसेज भेजा, हमने सुना आपका वाइफ आपका बेबी बहुत सुंदर है, हम उसको खूबसूरत है, हम उसको देखना चाहते हैं। एक्चुअली पद्मिनी का बहाना बना करके स्पोर्ट का अंदर से ज्योग्राफिक वीकनेस को देखना और रतन सिंह को स्पोर्ट से बाहर ले जाना, उसका मेन पॉइंट। रतन सिंह उसका चाले की को नहीं समझ पाए। क्या नाम बताया आपका? हाँ मोती सिंह। ओ अपना भाई है, ठाकुर है? हाँ बढ़िया। अच्छा ठीक, यहाँ तो ठाकुर ज़्यादा मिलेंगे ना, थोड़ा राजपूत है ठाकुर है। हाय, तो मारे नहीं है, तो ये तो
करो। मित्र को नहीं देखे कोई रकम सब छोड़ो। हमें पीटी गया वहाँ टिकट मिले ऊपर गोरा लोग उतना दूर चढ़ के उतार ले पहले उफाला कितना भारी। तो ये बेचते हैं मछली का खाना ना आटा। मछली आटा लाइक करते हैं बहुत, वो आटे ही खाते हैं ना। कितना लगे हम लोग का लोकल है चलो राजीव के पैसा देखो तो लेके आओ ये सब उतारे दादी। नहीं नहीं हमने उतारेगा मैं कैमरा हो देखो कि 400 रुपए में ही आया क्या है। ये तो एक बंदे का भी पेट नहीं भरा। अनलिमिटेड वाला आया कि कौन सा ये नहीं पता ना उसमें। ये वर्ल्ड फेमस होटल है एलएमडी। वीडियो बनेगा मैंने कैमरा पे नहीं किया कैमरा पे करना पड़ेगा भाई कैमरा पे करो तो मैं फोटो खींचता हूँ। जुग होती हजूर अर्ज करो हजी माली
बात नहीं करना टाइप हुए नहीं, आप वेट करते हैं। अरे यार
लारे मारो पूरे बंद ने गिरा लो अरे गाया रे तेरा भती ने गोर बंदी पुती ओ गाया रे तेरा भती ने गोर बंदी पुती उसमें तड़िया तेरा भत मोती पुया पुया राज मोती पुया पुया राज मारो पूरे बंद ने गिरा बदीला मारो बुरे बंद गीरा ओ लड़ली लूंबा चूंबा चूंबा ओ लड़ली लूंबा चूंबा चूंबा ओ लड़ली लूंबा तुम्हारा हाथ मारो बुरे बंद गीरा ओ बदीला रे मारो बुरे बंद गीरा क्या भाई
दूरे नमनी करे हो नरे नार दूर दूरे आवे जात रूरे नमनी करे हो नरे नार Thank you.
यस वेयर लाइट आवे चल लगा अब कैमरा चल लगा कनेक्शन देना उतर चश्मा ऑफ करता है गेट है अब क्लोज होता है हम लोग निकलते हैं उसके बाद में हम लोग होटल जाएंगे फिर बैठेंगे कुछ साउथ इंडियन डिशेस खाएंगे कब से रखा होगा आप ले आएंगे मैं ले आऊं आप
बिल्कुल सही, खाने से पेट खराब नहीं होगा, देसी घी का होता है। आपने खाएगा? हम ओके हैं, हम आ रखे हैं, खाना लेके जा रहा है उसको। अंदर जाने के लिए आपको पब्लिक का टिकट नहीं लगता, अगर कैमरा यूज करोगे तो 70 रुपीस चाहिए। कैमरा यूज करना पूरा आर्किटेक्चर से बना हुआ, पत्थर का कलाकारी है और जैन के अंदर सबसे सुंदर मंदिर। इसमें अंदर चलेंगे जाने के सुनार किला कहा जाता है। एक बंगाली फिल्म बनी थी उसका ऊपर, जिसका नाम था सुनार किला, उसी के बाद ये बहुत फेमस हो गया सुनार किला। उस किले में आने जाने का एक ही रास्ता है, उसे आपको वापस जाना किला। उस किला लगभग 800 साल पुराना है। Hey, chukadu. सूरज सिंह है तो सूरज पूरा ही कौन सी जात? ब्राह्मण। ब्राह्मण हो? अच्छा,
जैसलमेर सिटी राजस्थान बताइए सब जी। यहाँ पे जो गोल गोल पत्थर दिखते हैं ये दुश्मनों के ऊपर गिराने का काम होता था। पुराना दिनों में तोप बंदूक नहीं था, इसीलिए राजाओं के पास अस्त्र हिसाब से यूज होता था। गोल पत्थर, लंबा पत्थर, धूल मिट्टी, तीर, धनुष, गर्म पानी, गर्म तेल, इसी से बार किया करता था। इस किले में चारों ओर 99 ब्रिज बना हुआ जहाँ पे सैनिक रहा करता था। यहाँ पे जो गोल मकान बना हुआ इसी में सैनिक रहा करता था। इसी में गर्म पानी, गर्म तेल करके लेडीज़ लोगों को देता। लेडीज़ लोग इस बीच में खड़ा हो जाता था, उनको पास गर्म तेल दिया करता था। और वो जो हॉल बना हुआ थोड़े थोड़े दूर में खड्डा बना हुआ, उसी खड्डे से गर्म पानी, गर्म तेल डाला करता था। जो दुश्मन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता उनको हाथ पैर जल जाता, चढ़ नहीं पाता, इसी हिसाब से यहाँ पर अटैक होता था। यहाँ पर पुरुष सर्विस करता था, महिला अटैक किया करती थी, इसी हिसाब से यहाँ पे युद्ध होता था। यहाँ पे पहले युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1332 में, 1332 में पहला अटैक हुआ था। अटैक होने का कारण नहीं था, यहाँ पे जो राजाओं को था, राजा राजपूत था, राजाओं को पास खाने, राजा छोटा छोटा राज्यों को लूट कर लाते थे। जैसे यहाँ का राजा का खजाना दिल्ली का जो राजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का खजाना लेकर दिल्ली और जा रहा था, और इस राजाओं ने उस रास्ते पे लूट लिया था। जैसे लूटा उस जब अलाउद्दीन के पास संवाद पहुंचा जो मेरा खजाना जैसलमेर राजाओं ने लूट लिया, तो उसको पूरा फौज लेकर यहाँ पे पहुंच गया। 10 से 12 साल तक इसी पत्थर, गर्म पानी, गर्म तेल से युद्ध किया। युद्ध करने के बावजूद भी इसे मुसलमानों ने चढ़ नहीं पाया। दुर्भाग्य विषय यहाँ का राजाओं के पास खाने पीने का सामग्री समाज हो गया, फिनिश हो गया। उसी के बाद प्रजा राजा भूखा मर रहा था, बोला हम भूखा मरने से तो अच्छा युद्ध करके मरे, तो रण मैदान में जाकर युद्ध किया। युद्ध में राजपूत राजाओं ने पराजित हो गया, हार गया। हारने के बाद इस पर मुसलमानों को राज हो गया था। कुछ दिन राज करने के बाद यहाँ पे पानी का संकट आया था, दूर दूर तक कहीं पे पानी का सुविधा नहीं था, इसीलिए मुसलमानों ने इस राज्य छोड़कर चला गया। वापस राजपूत राजाओं ने आया, वापस इसे राज्य स्थापित किया। इसी हिसाब से आज भी इसे राजपूत राजाओं ने टिका के रखे। चलेंगे आगे, तुम बोलो चलो, चलो थोड़ा देख ले, थोड़ा अंदर चले। देखिए हवेली है पूरी, पीछे ब्यूटी पार्लर हो गया, ये भी खंडक खंडक हवेली। ये हवेली बड़ी भारी हवेली है, ये होटल है? नहीं हवेली है बस, इससे आगे फिर गाड़ी नहीं जा पाएगी। यहाँ से आगे ना, ये तो है बड़ी है भाई, मुझे काम लगा।
वही कर आप फोटो दिखाओ जरा थोड़ा सा मिला के देखें देख लो जब मैं नौ करते हमारे बाबा और हमारे घर चके सनानी ठाकुर को हम ही आए भैया कोई घर है इधर फोन करके एक मिनट यहाँ पे कौन चीज देखा है अभी उतरा लिया भाई वो तो है बस यही यही वाला कौन चीज छापा उतरा दिया तो ढाबा चले रे हम तो उतार लिया छापा हो गया भाई यार की बता कुछ लिखा नहीं कि इंडिया गई नाम नहीं अभी वहाँ पे उतरा लिया है 8 फोटो बहुत ज्यादा फोटोग्राफर उधर कौन सी है उधर थोड़े अरे बहुत खतरनाक जगह है जगह इधर उतार ली थोड़ा बस यहाँ तो आना नहीं चाहिए वो लड़की तो बहुत तंग करे हम उसके भेजता था तुम्हारे लगे ना उसके लगे जा पुलिस के पास बेबी है बोला कुछ है नहीं यार ना ये लाइन जगह बस उधर तो कोई आओ कहाँ करे ना कुछ राउंड मार लो हाँ इधर से उतार ले सेम पे पैसे नहीं ना और यहाँ पे फॉर फ्लावर्स गार्डन नो ब्यूटीफुल फ्लावर मैन बड्डे तन में घर हुआ और बनी में बाकी रहा और हमें बाहर राजा जी रहे तो मोती साहब को सार अभी छोटी रखी तो नाम जा के आया
बिल्कुल रूटी का नहीं मतलब माँ जमीन नहीं बाव दत्ता दे आए नौकरी खातर यहाँ आएगी यहाँ 40 बीघे खेत में अच्छे अच्छे किसान दत्ता दे आए 40 बीघे की जमीन थी अब हम पे जान थोड़ी सी रह गई भाई हम मां रहे थे 40 बीघे जमीन की जोता होते ट्रैक्टर हो यहाँ कितने बीघे 8 बीघे
यानी ये 2 किलो हो गया किला कितने कौन तो कह भी कौन तो जो 5 किलो तो आता है तो ऐसे समझो तो 1.5 किलो जमीन 1.5 किलो भाव अच्छा चल रहा जमीन का भी या यहाँ 10 लाख के दाम 1 बीघे का ना 1 बीघे 80 लाख तो पूरी जमीन जूम कर लो तो जूम तो रोजा होटल चलते ना सीधे उतार दे कुछ अच्छा बोलिए कौन सी मंदिर है वैष्णो देवी का जो वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर है जो वहाँ पर जाते हैं ना पहाड़ों वाली शेरों वाली उसका मतलब जाते हैं वहाँ पर पहाड़ों पे जो कहलाती है महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती तीनों शक्ति वैष्णो देवी अच्छा मैं एक और पूछना चाहता हूँ ये जो भैरव मंदिर है ये
मतलब जब माता ने श्रृंगार किया था कालिदास भगवान का, फिर मंदिर बनाया था। मतलब माता की परीक्षा ली थी इन्होंने, काल भैरव मेरा खुल होता है। मैं कुछ डोनेशन आगे दे सकता हूँ ना, आगे कुछ डोनेशन वहाँ दे सकता हूँ। संतान नहीं होती, उसने संतान के लिए माता की पूजा की थी, तो पूजा करने पर उन्होंने माता उस पर प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर माता ने कहा कि मेरे नाम पर तू भंडारा बना, यानी भोजन, सारे गांव को भोजन निमंत्रण दे। तो भोजन निमंत्रण देने पर माता, तो उसने कहा मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और पूरे गाँव को निमंत्रण देने में असमर्थ हूँ, कैसे कर पाऊँगा ये कार्य। तो माता ने कहा मेरे नाम पर तो भंडारा तो बना। तो श्रीधर भक्त ने कहा ठीक है, आपका मैं आदेश मान के पूरा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही मतलब पूरे गांव को निमंत्रण देकर जैसे ही वापस गांव के अंदर लौट रहे थे, जो गांव की गलियों से बाहर थे, तो उन्होंने मतलब काल भैरव भगवान और उनके 64 शिष्य थे, तो उन 64 शिष्यों से और काल भैरव भगवान से कहा कि मैं, यानी काल भैरव भगवान निमंत्रण दिया भगवान को कि आपको भी इस निमंत्रण माना, साधु के रूप में थे काल भैरव भगवान। तो उन्होंने कहा जरूर, मतलब काल भैरव भगवान ने उनसे क्वेश्चन किया कि मेरे को तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं जिमा पाए, तो तुम कैसे जिमा पाओगे। तो यानी कि सिर जगत का एक गरीब ब्राह्मण का, यानी कि निमंत्रण स्वीकार तो करो आप, काल भैरव भगवान का इस निमंत्रण में जरूर आऊँगा। तो जैसे ही मतलब निमंत्रण के जब पंक्ति चल रही थी, मतलब सारे एक साथ बैठ के भोजन कर रहे थे लाइन से, तो माता अपने हाथ से सबको निमंत्रण यानी भोजन खिला रही थी, भोजन खिला रही थी। माता जैसे ही काल भैरव भगवान के पास गई, काल भैरव भगवान का आप सबको इच्छा अनुसार भोजन दे रही हो, जैसा जैसा मांग रहे थे वैसे वैसे भोजन दे रही थी माता रानी। तो उनको जैसे ही मतलब काल भैरव भगवान का आप सबको इच्छा अनुसार दे रहे हो, तो मुझे भी मांस मसीरा मदिरा चाहिए, यानी कि दारू शराब ये चीज़ें चाहिए। तो काल भैरव, तो माता ने कहा ये वैष्णो भंडारा है, ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने काल भैरव भगवान ने माता का हाथ पकड़ना लगे, तो माता वहाँ से गायब हो गई थी, थोड़ी दूर यशनी गायब हो गई थी। तो उन्होंने काल भैरव अपनी शक्तियों से देखा कहाँ छुपी है कुमारी, वो एक कन्या के रूप में आई थी माता, छोटे बच्चे होते हैं ना इसीलिए 9 साल की 3 साल की बच्चों को पूजा जाता है ना कुमारी कन्या के रूप। तो माता ने उन्होंने फिर आपने थोड़ा सा आगे चल पर देखा था, आपने बाण गंगा देखी अभी नीचे पानी से बाण गंगा, और वहाँ पर वैष्णो देवी जाते हैं तो बाण गंगा भी मिलती है उसमें। माता यानी काल भैरव भगवान माता जा रही थी, उनके साथ एक हनुमान जी थे, यानी कि बंदर के रूप में थे हनुमान जी, और एक रीछ था वो अलग देवता थे। तो काल हनुमान जी ने कहा माँ मुझे पानी पिलाओ, तो माता ने वहाँ पर बाण मार के यानी पानी पिलाया, बाण निकाला, उसका दूसरा नाम है बाल गंगा उसी नदी का नाम। फिर माता थोड़े से ऊपर चढ़े जहाँ चरण पद का मंदिर आता है, तो माता ने वहाँ पर सर्वप्रथम यानी पृथ्वी लोक में उन्होंने चरण पहली बार रखे थे इस लोक में, तो वहाँ पर चरण पद का मंदिर बन गया। चरण पादुका मंदिर आता है छोटा, हाँ छोटा, यहाँ पर भी बना हुआ था बड़ा। तो चरण पादुका वहाँ से फिर माता ऊपर चढ़ी जहाँ पर अर्धकुमारी मंदिर है, जिसमें माता ने 9 महीने एक बच्चा अपने माँ के पेट में सुरक्षित रहता है, जैसे 9 महीने सुरक्षित है उसी प्रकार माँ वहाँ पर 9 महीने सुरक्षित रही। फिर काल भैरव भगवान अपनी शक्तियों से, अंदरूनी शक्तियों से देखा कि कहाँ छुपी वो कुमारी कन्या, क्योंकि उनको तो शक्ति का पता लगाना था काल भैरव भगवान को। जैसे उन्होंने शक्तियों से देखा तो वो कुमारी कन्या उस गुफा में बैठी थी, विराजमान थी, तपस्या कर रही थी। तो काल भैरव भगवान जैसे ही उस गुफा के अंदर यानी अंदर गए और का माता को पकड़ने की कोशिश की, हाथ छू गया था माता का, और सत्य में माता यानी औरतों के प्रति बहुत भेदभाव रखते थे, मतलब कोई आदमी छू नहीं सकता था। तो जैसे मतलब उनका हाथ छूने के कारण माता का नाम पड़ गया अर्धकुमारी।
अर्धकुमारी क्यों पड़ा कि आदि शादीशुदा और आदि कुमारी के रूप में रहेगी। फिर माता वहां से निकल इस गुफा में विराजमान है। इस गुफा का नाम वैष्णो गुफा, जो मुख्य गुफा है इसका नाम वैष्णो गुफा। इस गुफा में माता काफी समय तक मतलब विराजमान रही। फिर तपस्या करते करते काफी समय बाद उन्होंने काल देखा, फिर अपनी शक्तियों से देखा, अपनी शक्तियों से देखा तो कहाँ कुमारी कन्या कहाँ छुपी हुई है। माता यहाँ पर विराजमान थी, लीन थी तपस्या में। जैसे ही कालभैरव भगवान अपनी गुफा में एंट्री करने लगे, यानी आने लगे अंदर, तो उनके द्वार गेट पाल द्वारपालक थे श्री हनुमान जी और कालभैरव भगवान युद्ध मच गया। युद्ध होने लगा तो हनुमान जी पराजित होने लगे, क्योंकि साक्षात शिव थे वो। तो कालभैरव भगवान थे वो शिव थे, यानी रुद्र के रूप में थे। तो कालभैरव हनुमान जी यानी पराजित होने लगा। एक बच्चा होता है जो माँ एक कोई माँ अपने बच्चे को पीटता हुआ देख नहीं सकती, उसी प्रकार हनुमान जी को यानी कि मतलब उनको पराजित होते हुए देखते हुए माता को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही माता ने उनका वध कर दिया। वध किया, उनका धड़ थी वो तो चरणों में गिर गई थी माता के, और जो गर्दन थी वो 64 फीट ऊपर जाके गिरी। जो कालभैरव भगवान सबसे ऊपर टॉप पे मंदिर मिलता है, आप वैष्णो देवी जाओगे ना सबसे टॉप पे मंदिर मिलेगा। फिर माता ने वैसे ही मतलब फिर कालभैरव भगवान ने कहा मतलब पश्चाताप करने लगे। पहले तो उनको घमंड था भाई मैं ही हूँ सब इस लोक में सब कुछ हूँ, जो उनके सत्य थे उनके पास ज़्यादा। तो फिर कालभैरव भगवान ने मतलब पश्चाताप करने लगे, माँ उनके मुँह से निकल गया माँ शब्द। तो माँ हमेशा बच्चों को अपने माफ करती है, तो कालभैरव भगवान हमेशा माफ ही कर देती है। माँ तो हमेशा अभी भी गलती करते हैं तो माफ करती है भगवान। तो जैसे ही उन्होंने माता मुँह शब्द निकला यानी माँ शब्द निकला, तो माता ने उनको कह दिया कि मेरा जो भक्त आएगा तुम्हारे गले पे पैर रखेगा। यहाँ पर फिसलन सी थोड़ी सी बनी है ना स्लीप सी, इसी के अंदर बना, वहाँ पर भी है, वहाँ पर है ना थोड़ी सी, तो वो स्लीप इस कारण से क्योंकि ये गला है। कालभैरव भगवान ने गले से यानी दुष्टता का व्यवहार किया था। तो उन्होंने कहा, माता ने कहा कि मेरे जो भक्त आएगा तुम्हारे गले पे पैर रखेगा, क्योंकि तूने दुष्टता का व्यवहार किया, ठोकर मारेगा, फिर तुम्हारा दर्शन करेगा, तभी तक मेरी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। यानी कि मेरा जो भक्त आएगा तब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तब तक मेरी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। फिर माता विजय से उन्होंने फिर अपने पिंडी रूप में माता विराजमान हो गई। इस संसार में जैसे काल मतलब तीन मतलब रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्ति कहलाती है रुद्र, और तीसरा नाम आती है शिव। इसी प्रकार माँ वैष्णो देवी, माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों की शक्ति कहलाती है वैष्णो देवी, और तीसरा नाम है दुर्गा देवी। तो काल भैरव क्यों चढ़ाते मांस वगैरह चढ़ाते हैं? नहीं, ये मतलब वैष्णो ही है यहाँ, तो उनको यहाँ कोई नहीं चढ़ती ऐसी चीजें। अच्छा साधारण कृष्ण भगवान बैठे हैं, पीछे अर्जुन गीता का ज्ञान देते हैं। गायत्री था ना? नहीं नहीं, नहीं बताया, इसको ले जाए फिर बुक में देखेंगे ना, बुक में तो है। हाँ गायत्री। ओके साल पहले का महल है पूरा हिंदुस्तान का। तो माता लगी थी ना, तो भीष्म कॉल्ड वाटर भीष्म, तो 126 डे एरो पे लेते रहे थे उत्तरायण की प्रतीक्षा में, तो
भीष्मा इज मदर गंगा और फादर शांतनु शांतनु इच्छा मृत्यु वरदान। तो 11 डे इधर में महाभारत का फाइट हुआ, 2 डे गीता उपदेश कर ली, 11 डे इधर, फिर 5 डे अलग अलग। हस्तिनापुर में चले गए थे और जो अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित उसको हस्तिनापुर की राजगद्दी दे दी थी। फिर जब वो सूर्य उत्तरायण में आया तो पांचों पांडव द्रौपदी कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के पास आए थे। इनको समस्त पुराणों का ज्ञान था तो यहाँ पर आके भीष्मा ने पांडवों को विष्णु शास्त्र नाम शांति पर्व वन पर्व विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी और सब सितारों पूर्णिमा का भंडारा होता है तो मंदिर का प्यासा Thank you.
राजा का वो सुनो पहले हर छुट्टी है सर देव छुटका है सीता तुमको दुश्मन काटा लेता था हिंदी पूरा बोल अमेरिका से और इंडिया में कहाँ से इंडिया कब गई है साल हो गया 100 साल ऊपर हो गया 120 साल 130 साल हो गया थोड़ा सा बोलना आता है चलिए
गलत आदमी बैठ जाएंगे, क्या पता लगेगा। भाई साहब भी आराम से बैठ जाएंगे, बस भारी भारी बंदूक है। अब तो मॉडर्नाइज हो गया। अब Thank you.
आपको नहीं हो तीर कमान तीर कमान तीर कमान देख ले यार
ये गन्ना सिंह जी के गोल्डन जुबली की फोटो है साहब, यहाँ से हाथी के ऊपर सवार होकर के लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर। साधु भवन